जैसे आपको पता है कि पंचकुला में इलेक्शन चल रहे नगर निगम के, और हमारे बीच में आज डीसीपी पंचकुला श्री मोहित हांडा जी बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं। हांडा साहब नमस्कार सर। जी नमस्कार। तैयारियां किस तरह की तैयारियां की हैं पुलिस प्रशासन ने इस इलेक्शन को देखते हुए सर? देखिए, जैसा कि पुलिस प्रशासन का ये जो शहरी निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें मुख्य भूमिका जो है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। तो इसके लिए हमारी मुख्य तौर पे जो बूथ ड्यूटीज़ हैं वो हैं, वो हमने बूथ वाइज ड्यूटीज़ जो हैं वो पर्याप्त संख्या में लगा दी हैं। हमने प्रत्येक पोलिंग स्टेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए पोलिंग बूथ्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको हमने अति संवेदनशील, संवेदनशील और जो साधारण बूथ हैं उस श्रेणी में बूथों की संवेदनशीलता के अनुसार अपनी रिपोर्ट भेजी थी। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ड्यूटीज़ बनाई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ जो हैं, जो लगातार ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स के साथ सभी पोलिंग स्टेशंस का दौरा करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि इसमें स्वतंत्र और बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पे हम करवाने में सक्षम होंगे। सर, इसके अलावा एक प्रश्न और पूछना है कि और भी कोई आपने पुलिस, अतिरिक्त पुलिस फोर्स अदर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया है? तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस महानिदेशक हरियाणा का, जिन्होंने हमें अतिरिक्त बल कुछ हेडक्वार्टर से भी और जो पड़ोसी हमारे ज़िले हैं वहाँ से भी हमें मुहैया करवाए हैं, और उसी के कारण हम सभी जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रशासन को पुलिस बल देने में सक्षम हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास पर्याप्त संख्या में रिज़र्व फोर्स भी है जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अब एक जो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे इलेक्शन होता है, अगर कोई ऐसी कोई मिसहैंडलिंग होती है बूथ में, तो क्या हरियाणा पुलिस ने या आपने अपने स्तर पर कोई ऐसा लोकल नंबर सार्वजनिक किया है ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर बात कर सके और पुलिस तुरंत पहुंच सके, इस तरह का क्या आपने नंबर कोई किया है? देखिए, इलेक्शन के लिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हैं वो उपायुक्त महोदय हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो अतिरिक्त उपायुक्त जो हैं, तो उनकी ओर से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसकी जानकारी वो क्या उन्होंने नंबर दिया है वो उनके पास उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो पुलिस का कंट्रोल रूम है 100 नंबर, वो पूरी तरह से उनको भी ब्रीफ किया गया है कि कभी भी कोई भी इलेक्शन संबंधी जो भी कोई सूचना आती है या कोई कंप्लेंट आती है उससे वो निपटेंगे, और तुरंत प्रभाव से जो हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं संबंधित SHO, चौकी इंचार्ज, पेट्रोलिंग पार्टीज़ और जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से सूचित करेंगे। तो जो भी इलेक्शन संबंधी समस्याओं का या कंप्लेंट्स को निपटने का तरीका है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम से सुचारू रूप से चल रहा है। सर, अब एक बात पूछनी, जैसे इलेक्शन कमीशन के लिए भी चैलेंज है हरियाणा के लिए भी जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं कि कोविड भी हो रहा है साथ में इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाना होता जरूरी होता है ताकि निष्पक्ष चुनाव होए, और उसके साथ कोविड भी है, इन दोनों को अगर कोऑर्डिनेटेड किया जाए तो इसके लिए भी कोई बूथ लेवल पर कोई यहाँ पर सैनिटाइजर या इस तरह की मशीन रखी गई, इस तरह की आपको इंस्ट्रक्शन कोई हुई है? देखिए, ये मुख्य तौर पर जो इलेक्शन ऑफिस है उनकी जिम्मेदारी है। हमने अपने लेवल पर जो हमारा पुलिस बल है उनको ये कहा है कि वो जो ज़िला प्रशासन है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो किसी भी पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है, इंडिविजुअल पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। जो पुलिस पार्टी की मुख्य तौर पे भूमिका है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने की है और ये सुनिश्चित करने की है कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था वहाँ पे ना बिगड़े, कोई हिंसा ना हो। जैसे कोविड के बारे में कहा, इस बार प्रशासन ने वहाँ पे पोलिंग बूथ पे ही जो है कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग रह सके। हमने अपनी जो पुलिस ड्यूटीज़ हैं उनको भी इस बारे में अवगत करवाया है और उनको कहा है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अन्य पोलिंग स्टाफ के साथ इस दृष्टि से भी कार्य करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ हैं, तो पुलिस पेट्रोलिंग जो जिप्सी होती है, क्या उसके अंदर आपने अपने स्तर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई सैनिटाइजर कोई ऐसा रखा, उनको प्रोवाइड किया, सुविधा मुहैया कराई है पुलिस के जवानों के लिए? देखिए, जो भी हमारी पुलिस की ड्यूटीज़ आज के डेट में भी चल रही हैं, मैं सभी
जो पंचकुला के वोटर हैं जो यहाँ पे कल 27 तारीख को वोटिंग करने जाएंगे, उन सबको पुलिस प्रशासन की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरा बिल्कुल वो स्वतंत्रता से और निर्भीक होके अपने जो मत का अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और ये लोकतंत्र की नींव जो है वो इलेक्शन है और इस इलेक्शन को पुलिस जो है वो अपनी भूमिका इसमें कानून व्यवस्था की और निष्पक्ष चुनाव करवाने की का पूरा प्रयास करेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी वोटरों को फिर से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएं और पंचकुला पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए। और सभी असामाजिक तत्वों को भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि वो किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास ना करें, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बहनों, ये हमारे बीच में DCP पंचकुला श्री मोहित हांडा थे। वो आपने देखा होगा किस मुस्तैदी के साथ पंचकुला प्रशासन यानी पंचकुला पुलिस किस मुस्तैदी के साथ आवाम के साथ खड़ी है और इनका एक ही मोटो है कि निष्पक्ष तौर पर जो चुनाव कराना। पूरे पंचकुला के जनता को ये अपील भी कर दी है कि आप निष्पक्ष होकर मतदान कीजिए, पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ है। अर्थप्रकाश देखने में तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि पंचकुला के अंदर नगर निगम के चुनाव कल हो रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि प्रशासन किस तरह से तैयारियां कर रहा है ताकि आवाम को भी ये लगे कि पूरी तरह से प्रशासन के साथ है। और हमारे बीच में ACP पंचकुला श्री राज कुमार कौशिक जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। ये कल नगर निगम का चुनाव जो है वो मेयर के प्रत्याशी के लिए और वार्ड के जो मेंबर्स रहेंगे उनके लिए होने जा रहा है और 20 हमारे वार्ड हैं और हमने जो है पुलिस बल की व्यवस्था इस प्रकार से की है कि प्रत्येक बूथ के ऊपर उसकी संवेदनशीलता के ध्यान में रखते हुए पुलिस बल बूथ पे भी लगाया है और उसके अलावा निगरानी ड्यूटी के लिए भी अलग से पुलिस बल लगाया है। क्या क्या कोई निगरानी के लिए कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस बुलाई है आपने यहाँ पर? जी, हमारे को हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जिला यमुनानगर से और जिला कुरुक्षेत्र से और इसके अतिरिक्त अन्य जो दूसरे विभाग हैं वहाँ से भी ड्यूटी के लिए समुचित पुलिस बल मुहैया कराया गया है और जिला की पुलिस भी इस ड्यूटी में लगाई गई है। हमारी मुख्यतः जो है 12 पेट्रोलिंग पार्टीज़ जो है अलग अलग जगह रहेंगी जो कि पर्यवेक्षण अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के साथ समन्वय से कार्य करेंगी। अच्छा, इसके बाद और पूछना, जैसे कि कैसे किसी बूथ पर कोई ऐसी वारदात होती है या कोई दिक्कत होती है, क्या हरियाणा पुलिस ने कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी किया ताकि कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर बात कर सके, पुलिस तुरंत पहुँच सके? जी, हमारे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट रेडियो ऑफिसर ने जो है ये चुनाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं और हमारा ही कम्युनिकेशन प्लान तैयार है और वो सबको संबंधित को जो है उसके बारे में सजग किया गया है और हम इसमें निष्पक्ष और बिल्कुल फेयर और भयमुक्त चुनाव के लिए हमारी फोर्स तैयार है। तो भाइयों बहनों, देखा कि हरियाणा पुलिस किस मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने के लिए किस तरह से मुस्तैद है। हमारे बीच में थे ACP पंचकुला श्री राजकुमार कौशिक जी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।